एक ऐसा नाम जो कई साल पुराना है, और इसकी हम अगर टोटल वेल्थ देखें तो कहां बिल गेट्स, कहां मुकेश अंबानी और कहां इलॉन मस्क। टाटा हैव वन दैट मच अमाउंट ऑफ मनी व्हिच कैन मेक देम वर्ल्ड फर्स्ट ट्रिलियनर। टाटा अपनी ये सीक्रेट रिवील क्यों नहीं करते, या फिर जो कुछ भी हमें अभी तक टाटा के बारे में बताया गया वो सही है या समथिंग इज वेरी बिग बिहाइंड इट। इस वीडियो में हम टाटा की चार जनरेशन को बहुत ही ज्यादा करीब से देखने वाले हैं, जिन्होंने इंडिया को कई सेक्टर्स में लीडिंग पावर बनाया और एक इतिहास बनाकर रख दिया। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वीडियो नंबर 11। ये है जमशेद जी टाटा, जिनका जन्म 1839 में गुजरात में हुआ था, और टाटा ग्रुप की नींव भी सबसे पहले इन्होंने ही रखी। शुरुआत 18s के टाइम पर इनकी फैमिली काफी गरीब थी, ये लोग पृष्ठ थे तो उसी चीज से इनके घर का गुजारा चलता था। बट इनके पिताजी नसरवानजी टाटा को ये समझ में आ चुका था कि अगर इन्हें अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है, इन्हें अपनी फैमिली को अगर ग्रो करना है, तो इन्हें ये पृष्ठ वाला काम छोड़कर कोई ना कोई बिजनेस तो करना ही होगा। सो इनके पिताजी नसरवानजी टाटा चले जाते हैं मुंबई कॉटन ट्रेडिंग के धंधे में, बिकॉज उस टाइम पे मुंबई में काफी ज्यादा ट्रेडिंग बिजनेस चला करता था। शुरुआत में कॉटन ट्रेडिंग के धंधे में उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, काफी ज्यादा दिक्कतें भी आई, लॉसेस भी झेले, और एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था जब इन्होंने पूरा प्लान बना लिया था गुजरात वापस आने का, उस धंधे में गिव अप कर देने का। बट वो कहते हैं ना, जो खड़ा रहा और टिका रहा वही आगे बढ़ता रहा, एंड ये उस सिचुएशन से भागे नहीं, खड़े रहे। एंड गेस व्हाट, इनका कॉटन ट्रेडिंग का धंधा सक्सेसफुल हुआ और इन्होंने काफी ज्यादा पैसा भी कमाया। बट नसरवानजी टाटा मुंबई में रहते रहते एक बात तो समझ चुके थे कि अगर उन्हें ब्रिटिशर्स के राज में बिजनेस करना है या आउट ऑफ द कंट्री एक्सपोर्ट करना है, सो उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी का नॉलेज और साथ ही साथ मॉडर्न नॉलेज भी होना चाहिए। तो उन्होंने अपने बेटे जमशेद टाटा को एल्फिनस्टोन कॉलेज में एनरोल करवा दिया। आपको जानकर आपको भी हैरानी होगी कि जहाँ पर एक नॉर्मल बिजनेसमैन का मोटिव होता है सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना, वहीं जमशेद जी टाटा का मोटिव और विजन बहुत ज्यादा क्लियर था। उन्हें अपने इंडिया की इकोनॉमी को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना था, उसे बहुत ज्यादा बूस्ट करना था इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू, और अपने बिजनेस को आगे ले जाते वेलफेयर भी करने का। 1858 में जमशेद जी टाटा की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई और उनके पिताजी नसरवानजी टाटा ने उन्हें अब बिजनेस भी सौंप दिया था। बट बिजनेस सौंपने के साथ साथ उनके पिताजी ने उन्हें एक चैलेंज भी दिया था, बट ये चैलेंज उस टाइम पर इम्पॉसिबल सा था, बिकॉज उस टाइम पर कनेक्टिविटी कंट्रीज के बीच में इतनी अच्छी नहीं थी, कोई भी मीडियम नहीं था कनेक्टिविटी के लिए, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी नहीं था इतनी ज्यादा, और सबसे मेन और सबसे बड़ा आड़ा था ब्रिटिशर्स, जो कि इंडियंस को बाहर बिजनेस ही नहीं करने दे रहे थे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो कि इंडियंस करना चाहते थे उस पर हैवी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, तो उस टाइम पर किसी भी इंडियन के लिए बाहर एक्सपोर्ट करना बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। बट फिर भी जमशेद जी टाटा ने इस इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल करने का सोचा एंड चैलेंज एक्सेप्ट किया। अब इस चैलेंज को पूरा करने के लिए सबसे पहले जमशेद जी टाटा ने टारगेट बनाया चाइना को, बिकॉज पहला तो चाइना के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे थे उस टाइम पे, बिकॉज ब्रिटिशर्स वहां पर ट्रेड करते थे, साथ ही साथ चाइना हमारा नेबरिंग कंट्री था तो वहां पर ट्रांसपोर्ट भी काफी इजीली हो सकता था कॉटन। सो चाइना में नीड को समझने के लिए जमशेद जी टाटा सबसे पहले विजिट पर जाते हैं चाइना, एंड वहां पर स्टडी करते टाइम उन्हें पता चलता है कि यहां पर बहुत ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स है, एंड यहाँ पर कॉटन की डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है। सो वो खुश हो गए थे, उन्हें अपना एक सेलिंग मार्केट मिल गया था, एंड जब वो इंडिया आए एंड जब उन्होंने एक्चुअल में ट्रेडिंग करने का स्टार्ट किया चाइना से, चाइना के बायर से रेट्स वगैरह डिस्कस किए, तो जमशेद जी टाटा की कॉस्टिंग बहुत ऊपर जा रही थी। उन्हें पता चला कि उनसे कम रेट में कोई और चाइना में कॉटन सप्लाई कर रहा है, और ये थी अमेरिका। अमेरिका का उस टाइम पर कॉटन पर मोनोपोली था, पूरे देशों में अगर कॉटन कहीं से जाता था तो वो सिर्फ अमेरिका से ही एक्सपोर्ट हुआ करता था, क्योंकि अमेरिका सबसे कम कॉस्ट पर कंट्रीज को कॉटन प्रोवाइड कर रही थी। बट कौन सा बिजनेस ऐसा नहीं है जहां पर कॉस्टिंग की दिक्कत नहीं आती, यहां भी आ गई। बट जमशेद जी टाटा ने हार नहीं मानी, वो एक सही अपॉर्चुनिटी का वेट करते रहे, बस वो ये वेट करते रहे कि कब ये प्रॉब्लम उनके लिए एक सॉल्यूशन बन जाए। एंड गेस व्हाट, 1861 में हुआ सिविल वॉर, और अब उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन बन चुकी थी, बिकॉज अब अमेरिका में कॉटन प्रोडक्शन रुक चुका था एंड अमेरिका अब एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा था कॉटन को। अब सारी ही कंट्रीज से कॉटन की डिमांड काफी ज्यादा रेज होने लगी, सो यहाँ पर जमशेद जी टाटा ने उन सारी ही कंट्रीज की नीड फुलफिल की, साथ ही साथ एक हाई प्राइस पर कॉटन भी एक्सपोर्ट किया, जहां पर इन्होंने काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाया एंड उन कंट्रीज के बीच में अपना नाम भी बनाया। उन्होंने और एक्सपेंशन के लिए एक बैंकक्रप्ट ऑयल मिल को खरीद लिया,
उस ऑयल मिल को खरीदते टाइम लोग भी काफी शॉक्ड थे एंड उन पर हंसे भी सही कि क्यों ये एक बैंक्रप्ट ऑयल मिल को खरीद रहा है। बट उनका विजन अलग ही था, क्लियर था। उन्होंने इस ऑयल मिल को कॉटन मिल में कन्वर्ट किया एंड जल्द ही उस बैंक्रप्ट बिल्डिंग को एक प्रॉफिटेबल बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया। और उनकी ये सक्सेस को देखकर वही लोग जो उन पर हंस रहे थे, आज वही लोग उनकी वाहवाही कर रहे थे। यहाँ पर हम एक बिजनेस लेसन ले सकते हैं। जमशेद जी टाटा ने डायरेक्टली एक मिल नहीं खोल ली, पहले उन्होंने मार्केट को समझा, पहले उन्होंने ट्रेडिंग की एंड कॉटन की डिमांड जिस टाइम पर बूम पर थी उसी टाइम पर उन्होंने सही डिसीजन लिया एंड मिल स्टार्ट की। बिकॉज एक बड़ा रिस्क लेने से पहले आपके पास एक नॉलेज प्लस अपॉर्चुनिटी होनी ही चाहिए। जमशेद जी टाटा ने उस मिल से काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाया, इवन दो उनके पास काफी ज्यादा ऑफर्स भी आए, बट उनमें से एक ऑफर तो इतना बड़ा था कि जमशेद जी टाटा को वो डील काफी अच्छी लगी एंड उन्होंने अपनी मिल को वहां पर सेल आउट कर दिया। बिकॉज उनके पास एक नया बिजनेस आइडिया था, ये था एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल मिल स्टार्ट करने का। ये आइडिया उन्हें तब आया था जब वो इंग्लैंड बिजनेस विजिट के लिए गए थे, तभी उन्हें ये आइडिया आया था। एंड इंग्लैंड से आने के बाद ही उन्होंने सबसे पहले इंडिया में एक प्राइम लोकेशन ढूंढी जहां पर वो अपना टेक्सटाइल बिजनेस स्टार्ट कर सके। बट ये जानकर आपको हैरानी होगी, उन्होंने एक डेवलप्ड सिटी नहीं चुनी बल्कि एक विलेज को चुना अपनी प्राइम लोकेशन के लिए। और इसको देखकर भी उनके दोस्त काफी हंसे उन पर, साथ ही साथ बैंकों ने भी लोन देने से उन्हें मना कर दिया। जमशेद जी टाटा की सिर्फ 3 रिक्वायरमेंट थी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए। पहली, वाटर एंड फ्यूल का सप्लाई उस जगह पर अच्छा हो, सो नागपुर में फ्यूल और वाटर सप्लाई काफी सही था। एंड दूसरी रिक्वायरमेंट थी, जहां भी वो मिल खोले हैं वहां पर कॉटन का सप्लाई अच्छा हो, सो नागपुर में कॉटन का सप्लाई भी अच्छा था, वहीं पर लोग जो थे कॉटन की फार्मिंग किया करते थे। और तीसरा और सबसे मेन रिक्वायरमेंट था ट्रांसपोर्ट। इंग्लैंड के दौरे पर जमशेद जी टाटा ने एक चीज सीख ली थी, जो ये रेलवे है सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह ही यूज नहीं किया जाता, बट साथ ही साथ बिजनेस कमोडिटीज को एक कोने से देश के दूसरे कोने तक पहुंचाने के लिए भी रेलवे का यूज किया जाता है। बट ये चीज उस टाइम पर किसी को समझ नहीं आई थी सिवाय जमशेद जी टाटा को। दैट्स वाई उन्होंने नागपुर को चुना एज अ प्राइम लोकेशन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड उन्होंने वहां पर उस विलेज में काफी कम कॉस्ट में जगह भी खरीदी एंड जल्दी से अपनी मील स्टार्ट की एंड मील का नाम रखा गया इम्प्रेस मील। एंड इस मील को भी उन्होंने काफी ज्यादा सक्सेसफुल बनाया। बट वो यहाँ पर रुके नहीं, उनका अब नेक्स्ट प्लान था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्ट करने का। ये आइडिया भी उन्हें इंग्लैंड विजिट के दौरान ही आया था, जब उन्होंने थॉमस कार्ली का एक लेक्चर अटेंड किया था, जिसमें उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने एक्चुअल में टाटा इंडस्ट्री ही बना डाली। उन्होंने कहा, अ नेशन हु अंडरस्टैंड द use of iron will have control over the gold. So then Jamshed ji Tata decided to open a iron mill. India mein us time pe you know Britishers ka raj tha, so license ke liye apply karna padta tha. To Jamshed ji Tata ne bhi license, mining license ke liye apply kiya, but Britishers ne unhe ye kehkar reject kar diya ki tumhe India mein kisi bhi kone mein माइनिंग नहीं करने दी जाएगी। बिकॉज उस टाइम पर ब्रिटिशर्स इंडियंस को सिर्फ दबा रहे थे, उन्हें ग्रो अप नहीं होने दे रहे थे। बट वो कहते हैं ना, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में आपकी मदद करती है। कुछ सालों बाद ब्रिटिशर्स ने ही खुद उनका लाइसेंस अप्रूव किया, जमशेद जी टाटा से रिक्वेस्ट की प्लीज आप माइनिंग करिए एंड अपनी स्टील इंडस्ट्री चालू करिए। बिकॉज उस टाइम पर ब्रिटिशर्स को भी काफी ज्यादा नीड थी स्टील के लिए, रेलवे ट्रांसपोर्ट बनाने के लिए। एंड ये खुशखबरी सुनते ही जमशेद जी टाटा निकल जाते हैं जर्मनी कुछ एडवांस मशीनरी देखने के लिए अपने बिजनेस के लिए। बट उसी दौरान हार्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इंडिया वॉज शॉक्ड, उनका सपना सपना ही रह गया। बट इस सपने को हकीकत में बदलेंगे उनके बेटे दोराब जी टाटा। अब जमशेद जी टाटा के बाद दोराब जी टाटा ने टाटा बिजनेस की कमान संभाली एंड सबसे पहले उन्होंने अपने पिता का पहला सपना पूरा किया, जो कि था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्टार्ट करने का सपना। बिकॉज सर जमशेद जी टाटा चाहते थे कि इंडिया में भी एजुकेशन रिवोल्यूशन आए एंड इंडिया भी वर्ल्ड क्लास रिसर्चर्स और साइंटिस्ट प्रोड्यूस करे। गेस व्हाट, ऐसा हुआ भी। इंडिया ने IISc से काफी बड़े रिसर्चर्स और साइंटिस्ट प्रोड्यूस भी किए। इंदोराब जी टाटा ने अपने पिता के अगले सपने को पूरा किया, जो कि था हाइड्रो पावर जनरेशन का वर्क, और आज इसी कंपनी को हम टाटा पावर के नाम से जानते हैं। देन दोराब जी टाटा ने अपने पिता का मोस्ट इम्पोर्टेंट सपना पूरा किया, और ये था स्टील इंडस्ट्री चालू करने का सपना। एंड फाइनली दोराब जी टाटा ने टाटा स्टील की नींव रखी और पहली स्टील प्रोड्यूस भी कर दी। और साथ ही साथ टाटा स्टील का एक बहुत बड़ा योगदान था वर्ल्ड वॉर वन में, जहां पर ब्रिटेन को बहुत ज्यादा नीड थी स्टील की इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, साथ ही साथ वेपन्स बनाने के लिए। तो इस नीड को भी दोराब जी टाटा ने
स्टील एक्सपोर्ट करके ब्रिटेन में इस नीड को भी फुलफिल किया एंड ब्रिटिशर्स ने भी इस काम में उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट किया। अब 1932 में दोराबजी टाटा की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद कमान संभाली बिजनेस की JRD टाटा ने। टाटा नमक जो आज हम खाते हैं इसकी इंडस्ट्री ही JRD टाटा ने सबसे पहले स्टार्ट की थी टाटा केमिकल्स करके, एंड इसकी पहली इंडस्ट्री गुजरात के मीठापुर में स्टार्ट की गई थी। साथ ही साथ JRD टाटा को एविएशन में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। सो इंडिया के ये पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने सबसे पहला कमर्शियल प्लेन बनाया इंडिया के लिए, साथ ही साथ उस प्लेन को कमर्शियली उड़ाया भी। एंड देन इन्होंने स्टार्ट किया टाटा एयरलाइंस, जिसमें ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस, फूड एज वेल एज सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। और जल्दी ही टाटा एयरलाइंस एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बन चुकी थी। पूरे वर्ल्ड में टाटा एयरलाइंस की चर्चा होती थी इसकी सर्विस के लिए। बट फिर JRD टाटा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं होगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने सोशल इकोनॉमी अपनाया जिसमें मेजर सेक्टर्स को अपने अंडर में कर लिया, और इसी में से एक था ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। गवर्नमेंट चाहता था कि इस सेक्टर में वो पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करें, ना कि प्रॉफिट पर ध्यान दें। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने 1953 में टाटा एयरलाइंस को JRD टाटा से ले लिया। इसका नाम रख दिया गया एयर इंडिया, और ये कंपनी गवर्नमेंट के पास जाने के बाद से ही इसका एक ट्रेजेडी डिक्लाइन चालू हो गया। इसकी सर्विस बेकार हो गई, सिक्योरिटी बेकार हो गई, साथ ही साथ इन्होंने कस्टमर एक्सपीरियंस भी बिगाड़ दिया। जो एयरलाइन वर्ल्ड क्लास सर्विस प्रोवाइड कर रही थी वो आज इंडिया में भी सही से वर्क नहीं कर पा रही। बट फिर भी JRD टाटा रुके नहीं, इन्होंने टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड स्टार्ट की, जहां पर ये स्टीम इंजन बनाया करते थे ट्रेन्स के लिए। देन इन्होंने टाटा मोटर स्टार्ट की, जहां पर इन्होंने पहला ट्रक बनाया जिसे हम 407 के नाम से भी जानते हैं, एंड गांव में 407 के नाम से भी जाना जाता है। वो ट्रक उस टाइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलर, इवन आज तक भी सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रक रहा है। ट्रक मार्केट का इंडिया में ये 70% मार्केट उस टाइम पर कैप्चर कर चुके थे, और इनके रहते हुए टाटा इंडस्ट्रीज 24,000 करोड़ के रेवेन्यू तक जा चुकी थी, और इनकी कंपनी में 270,000 एम्प्लॉइज वर्क कर रहे थे। देन इनके बाद आए हमारे सर रतन टाटा, जिन्होंने सबसे पहले टाटा स्टील कंपनी में एज अ वर्कर काम स्टार्ट किया। पहले टाटा स्टील को अच्छे से समझा, वर्किंग को अच्छे से समझा, और जैसे जैसे ये काम को समझते गए इन्हें नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती गई एज वेल एज अथॉरिटीज मिलती गई। टाटा की ही कंपनी नेल्को, जो कि टीवी और रेडियोस बनाया करती थी, उस कंपनी को 3 करोड़ के रेवेन्यू से 200 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंचाया, और उसे भी एक प्रॉफिटेबल कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। एंड देन फाइनली 1991 में सर रतन टाटा चेयरमैन बन गए टाटा कंपनी के। देन उन्होंने नोटिस किया कि टाटा कंपनी में अब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की भी नीड है। सो जितनी भी कंपनी टाटा की थी उन्होंने सभी में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट किया। एंड देन 1995 में एक 100% इंडियन कार मैन्युफैक्चर करने का प्लान बनाया। एंड गेस व्हाट, 1998 में सर रतन टाटा ने अपनी पहली कार लॉन्च की, जो कि थी इंडिका, जहां पर इंडी का मतलब है इंडिया और का मतलब है कार। एंड ये कार काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही उस टाइम पे। बट इसके बाद इन्होंने इंडियन की नीड्स को समझते हुए नैनो लॉन्च किया, जो कि एक बहुत बड़ा फेलियर रहा इनके लिए। बट इससे भी इन्होंने काफी कुछ चीजें समझी, लाइक कंज्यूमर बिहेवियर। एंड इसके बाद इन्होंने नैनो जैसी गलती कभी नहीं की। अब इन्होंने प्लान किया अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड फैलाने का। सो इन्होंने एक्विजिशन चालू की, इन्होंने लैंड रोवर और जैगुआर को एक्वायर किया। साथ ही साथ टी सेक्टर में ब्रिटिश ब्रांड टैटली और US ब्रांड 8 क्लॉक को भी एक्वायर किया। सिर्फ यही नहीं, और भी कई अनगिनत अचीवमेंट टाटा ग्रुप ने रतन टाटा की लीडरशिप के अंदर अचीव की है। इनमें से हर एक जनरेशन का क्लियर मोटिव था, क्लियर विजन था, देश को आगे ले जाना और काफी दूर तक ले जाना। इवन हर एक लीडर ने कोर लेवल से वर्क स्टार्ट किया, ताकि वो टाटा एम्पायर को अच्छे से समझ पाए एंड टाटा विजन को भी अच्छे से समझ पाए। एंड इन्होंने कंट्री विजिट भी नहीं छोड़ा, बिकॉज आप जब एक नई जगह जाते हो तो वहां से आप कुछ ना कुछ एक इनोवेटिव, एक यूनिक चीज सीख कर आते हो। एंड टाटा के मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल आइडियाज ये बाहर से ही लाए थे। तो ये था ऑल अबाउट टाटा। जैसे आपको टाटा में से कौन सी जनरेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगी कमेंट्स में जरूर बताना। एंड हाँ, मोर सच डॉक्यूमेंट्रीज प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज ये आपके लिए तो फ्री है बट इससे हमें कहीं ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड हम फ्री में ही आपको बिजनेस लेसन एज वेल एज लाइफ लेसन प्रोवाइड करने का मोटिव रखते हैं। सो हमारे विजन और हमारे मोटिव में हमें सपोर्ट करें।